अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली की हेल्थ का खूब अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरा प्रोसेस कि मैं किस तरह से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को स्टोर करती हूँ अपने रेफ्रिजरेटर में। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और आप जो हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को एफिशिएंटली स्टोर कर पाएंगे अपने फ्रिज में। अभी जैसे कि वायरस आउटब्रेक हुआ हुआ है और मार्केट में सामान की शॉर्टेज है, तो इसी तरह वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी बहुत कम नज़र आ रही हैं। सो इस सिनेरियो में बेहतर यही है कि हम थोड़ी बहुत चीज़ें लेके स्टोर कर लें। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय टाइम सेविंग ज़ीरो वेस्टेज वेजिटेबल एंड फ्रूट स्टोरेज आइडियाज़, और आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से इन तमाम चीज़ों को आराम से अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। और ये सब करने से आपका काफ़ी टाइम भी सेव होगा। आजकल चूँकि सारी फैमिली घर पे है, सो आप आराम से अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं और आपका जो कुकिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने गाजर और हरी प्याज को पील कर लिया है, इनका छिलका उतार लिया था, और साथ ही मैंने फूल गोभी को काट लिया था। और उसके बाद एक बड़ा सा बोल लेके इसमें मैंने डाला है पानी, और साथ ही इसमें डाला था विनेगर, और इस विनेगर वाले पानी के अंदर जो है मैंने वेजिटेबल्स को किया है सोक। और रेशो जो होता है इसका, वो यूजली अगर आप 3 पार्ट पानी ले रहे हैं तो आप 1 पार्ट विनेगर यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम जो वेजिटेबल्स हैं उनको सबसे पहले विनेगर वाले सोल्यूशन में सोक कर दूंगी। और इस तरह से सोक करने से एक तो जो बैक्टीरिया और जरासीम वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, और उसके अलावा जो इन वेजिटेबल्स के ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे हुए हुए होते हैं उनका असर भी ख़त्म हो जाता है। ये स्पेशली मैं बात करी उन वेजिटेबल्स की जो आप हम पील के साथ यूज़ करते हैं, जैसे टमाटर हो गए या फिर शिमला मिर्च वगैरह हो गई। सो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस तरह से सोक करें और उसके बाद ड्राई करके फिर यूज़ करें। तो ये सारी जो वेजिटेबल्स मैंने सोक की थी, इनको मैंने 20 मिनट्स के लिए सोक किया था, और अभी इनको मैं डाल रही हूँ स्ट्रेनर में और अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी यहाँ तक कि कम्प्लीटली जो है ये ड्राई हो जाए। और अब यहाँ पे मैं सोक करने लगी हूँ टमाटर और शिमला मिर्च, और इनको भी मैं इसी तरह से पानी और विनेगर वाले जो है सोल्यूशन में सोक कर दूँगी फॉर 20 मिनट्स। और टोमेटोज़ जो हैं वो मैंने सिर्फ 1 kg ही मंगवाए थे, ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज़र में जो है वो टोमेटो पेस्ट है काफ़ी सारा, और मैं जो हूँ एक बड़ा जो कैन होता है वो लेकर आई थी अभी कुछ दिन पहले भी। सो इस वजह से मुझे ज़्यादा टमाटर की ज़रूरत नहीं होगी। और टमाटर जब आप बल्क में स्टोर करें तो आप मेक श्योर करें कि आप थॉरली एक एक टमाटर को अच्छे से चेक कर लें कि कोई टमाटर भी कहीं से सॉफ्ट ना हो और कहीं से जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगर एक टमाटर ख़राब होगा तो फिर वो बहुत सारे टमाटर जो हैं उससे ख़राब हो जाते हैं फ्रिज में। सो आप अच्छे से अपने टमाटर चेक कर लें, और जो सॉफ्ट टोमेटोज़ हैं या जो जल्दी ख़राब हो जाएंगे उनको आप सेपरेट रखें, और जो अच्छे हेल्दी फ्रेश टोमेटोज़ हैं उनको आप सेपरेट रखें, और पहले जो है सॉफ्ट वाले ताकि आप यूज़ कर लें। और यहाँ पर अब मैंने स्टार्ट कर दी है कटिंग। तो ये है बंद गोभी, और इसको वॉश नहीं किया जा सकता कट करने से पहले। सो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसको कट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको करूँगी वॉश। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इसकी लेयर्स जो हैं उनको अलग करके वॉश करते हैं और उसके बाद कट करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं कट करती हूँ और उसके बाद वॉश करती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने जो है इनको कट कर लिया था, और उसके बाद अब इनको मैंने फिर वॉश करके इस तरह से वापस इन्हीं कंटेनर्स में डाल दिया है। और अब मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च। ये बेसिकली मैं जूलियन कटिंग कर रही हूँ, और इस तरह से वेजिटेबल्स जो हैं आप स्टर फ्राइज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाइनीज़ बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप नूडल्स पास्ता वगैरह में भी डाल सकते हैं। सो ये इस तरह से मैं तमाम जो वेजिटेबल्स हैं मेरी उनको कर रही हूँ जूलियन, जिसमें कैरेट्स हैं, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और हरी प्याज है।
तो ये मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट कर लिया है, और साथ में मैंने ले लिया था एक कैन स्वीट कॉर्न का। कैन में जो लिक्विड होता है उसको मैंने ड्रेन कर लिया था अच्छे से, और फिर कॉर्न्स को मैंने एक पेपर टॉवल पे फैला के अच्छे से ड्राई कर लिया था, और ये मैंने फिर रख लिया। और अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ पैकेट्स। तो ये मैंने छोटे वाले जिप लॉक बैग्स ले लिए हैं, और इनके अंदर जो है मैं डाल रही हूँ सारी वेजिटेबल्स। कुछ बैग्स में मैं मिक्स वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, और कुछ में मैं जो है वो इंडिविजुअली वेजिटेबल्स थोड़ी थोड़ी सी डाल रही हूँ, जैसे स्वीट कॉर्न्स और मटर और गाजर। इस तरह से सेपरेटली भी कभी चाहिए होती हैं वेजिटेबल्स, तो मैं उस तरह से फिर उसमें डाल रही हूँ। और आप इस तरह अपनी मर्ज़ी से जो है वो बना सकते हैं छोटे छोटे बैग्स। और ये जो छोटे जिप लॉक बैग्स होते हैं ये बहुत कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने के लिए, कि उसमें इतनी क्वांटिटी होती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है। और अगर आपको एक बैग से ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो तो ऑफ कोर्स आप दो बैग्स उसमें डाल लें, लेकिन अगर बड़े जिप लॉक बैग में डालो तो कभी कभार वेजिटेबल्स स्टक हुई हुई होती हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है। और वैसे भी इट्स नॉट हाइजीनिक कि आप जो है वो बार बार बैग फ्रीज़र में से निकालो, उसको खोलो, उसमें एयर जाती है, और उसके बाद फिर दोबारा से उसको पैक करके रखो। तो इट्स बेटर कि आप छोटे जिप लॉक बैग्स लेके उसमें डालें। और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको मैंने बहुत छोटा छोटा सा चॉप कर लिया था, डाइस कर लिया था। ये अच्छी रहती हैं फ्राइड राइस वगैरह के लिए, और बच्चों के लिए मैं बनाती हूँ सेवरी पोरेज या खिचड़ी वगैरह, तो ये उसमें भी मैं डालती हूँ। और साथ ही मैंने काट लिए थे ये जो ग्रीन अनियन के वाइट पार्ट्स होते हैं ऑमलेट वगैरह के लिए, इसको भी मैं इसी तरह से बैग्स में डाल के फ्रीज़ कर दूंगी। और ये है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स जो है ये मैं मिक्स सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, और वैसे भी कभी कीमे के साथ या आलू के साथ बनाई जा सकती हैं। तो फ्रेंच बीन्स काफ़ी सारी थी, इनको मैंने कट किया था, कुछ इंडिविजुअल बैग्स बना के रख दिए थे, और कुछ जो है वो मैं मिक्स वेजिटेबल्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो वो मैं जो जैसे कैरेट होती है और कॉलीफ्लावर होती है और साथ ये फ्रेंच बीन्स होती हैं, इनको टेंडर होने में ऑलमोस्ट एक जितना टाइम ही लगता है, तो इस वजह से ये मैं एक ही कंटेनर के अंदर ये तमाम जो सब्जियां हैं इनको डाल के फ्रीज़ कर दूंगी। और हाँ, मैंने साथ में मटर भी ऐड कर दिए थे। मैं आपको जल्दी से बता भी देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं सिंपल सा मसाला भूनती हूँ, प्याज टमाटर अदरक लहसुन डाल के, और उसके अंदर ये तमाम जो वेजिटेबल्स हैं पूरा एक ये जो मैंने छोटा सा कंटेनर बनाया ये पूरा मैं इसमें डाल के बस दम लगा देती हूँ, और ये अच्छी सी जो है ना वेजिटेबल्स रेडी हो जाती हैं। तो खैर, अब यहाँ पर मैं साफ़ करी हूँ धनिया, और ये धनिया के दो बंचेस थे, इनको मैंने अच्छे से पहले तो क्लीन कर लिया था। और उसके बाद बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपने एक पेपर टॉवल जो है फैला लेना है अपने बॉक्स के अंदर, और उसके बाद आप उस पर रखेंगे कोरिएंडर, और बीच में आप एक एग रख दें, तो ये जो है इंशाल्लाह आपका जो है एटलीस्ट 2 हफ्तों तक फ्रेश रहेगा। और बस आपको करना ये है कि ये जो एग है, आपने जो एग बीच में रखा है इसको आप 3 से 4 दिन के बाद चेंज कर दें, और ये आपका बहुत अच्छा जो है सेव हो जाएगा धनिया। और इसी तरह से पुदीना जो है इसको भी मैंने पहले तो क्लीन कर लिया था। पुदीने की जो बहुत मोटी मोटी सी स्टेम्स हैं वो हटा दें, और जो छोटी छोटी स्टेम्स हैं वो साथ रहने दें, क्योंकि उनमें बहुत फ्लेवर होता है और बहुत अच्छी उनसे उनकी खुशबू होती है। सो सिर्फ पत्ते जो हैं वो ना निकाला करें, छोटी थोड़ी थोड़ी सी स्टेम्स भी रहने दिया करें। और पुदीनों को भी इसी तरह से मैंने पेपर टॉवल पर फैलाकर और इसमें रख दिया था एक एग। और जितनी भी ग्रीन आपकी जो इस तरह की है, जैसे कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, और इसके अलावा जो पार्सले वगैरह हो गए, फ्रेश रहता है अगर आप इस तरह से इसको स्टोर करें, काफ़ी दिन तक चल जाता है फ्रिज में। और इसके बाद मैं कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़ को साफ़। तो मैंने जो इनके जो टॉप पार्ट होता है उसको मैंने हटा दिया है अच्छी तरह, ऑफकोर्स वॉश और ड्राई करने के बाद। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गई, धनिया और पुदीना जो है इनको मैंने बग़ैर वॉश किए रखा है, बिल्कुल भी वॉश नहीं करना, और अगर आप वॉश करके रखेंगे तो वो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। सो बग़ैर वॉश किए रखें, और जो भी मॉइस्चर होगा वो आपका जो पेपर टॉवल है वो उसमें एब्जॉर्ब होता रहेगा, और जब आपको यूज़ करना है तो आपने निकाला अपनी जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए धनिया या पुदीना की, और उसके बाद वॉश करके यूज़ कर लें।
और ग्रीन चिलीज़ में मैंने एग नहीं रखा, ग्रीन चिलीज़ को सिंपल मैंने नीचे भी पेपर टॉवल रखा है, और वन लेयर लगाने के बाद ग्रीन चिलीज़ की ऊपर भी मैं पेपर टॉवल रख के इसको कवर करके एयर टाइट कंटेनर में रख रही हूँ। ये तीनों चीज़ें, धनिया, पुदीना और जो हरी मिर्चें हैं, इनको आप इंडिविजुअली एयर टाइट कंटेनर में रखें तो इंशाल्लाह ये 2 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, और उसके बाद भी फ्रेश रहती हैं डिपेंडिंग आप कितनी बार कंटेनर को खोलते हो और बंद करते हो, यूज़ करते हो, सो वो भी मैटर करता है। और अब आ जाते हैं स्ट्रॉबेरीज़ की तरफ। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है कि अगर आप इसको प्रॉपरली ना स्टोर करें तो ये एक दिन के अंदर अंदर ही ख़राब होने लगता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप पहले तो इनको अच्छी तरह वॉश कर लें, जितना भी डर्ट वगैरह है वो, ताकि हट जाए, और उसके बाद आप इसका रिमूव कर दें, जो क्राउन होता है, जो लीव्स होते हैं वो रिमूव कर दें, और उसके बाद इनको मैं चॉप कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी चाहें चॉप कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज को स्टोर करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ शुगर के साथ इनको स्टोर करना, और ये बहुत अच्छी रहती हैं, आप डिज़र्ट में भी यूज़ कर सकते हो आराम से, और आप मिल्क शेक वगैरह भी बना सकते हो। तो बस सिंपली अब मैं स्ट्रॉबेरीज़ को एक बॉल में डाल दूँगी, और उसके बाद इस पर डाल दूँगी शुगर। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की थी, और शुगर डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद जिप लॉक बैग में डाल के इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और ये बहुत अच्छा रहता है, आपने बस एक बैग निकाला और राइट अवे ब्लेंडर में डाला, थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, ना आपको शुगर डालनी है ना आपको आइस वगैरह डालनी है, और ये आपका मिल्क शेक रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा एक और डिज़र्ट भी मैं आपको इंशाल्लाह बनाना बताऊंगी इन फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी से, सो इंशाल्लाह वो फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। और अब मैं बना रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यूजुअली मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के नहीं रखती होती, फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, लेकिन जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस हों और आपको ना पता हो आगे का, तो बेहतर है कि जो चीज़ें आप इजीली स्टोर कर सकते हैं वो आप कर लें। तो यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक ले लिया था इक्वल क्वांटिटीज़ में, जैसे अगर आप 1/2 kg जिंजर ले रहे हैं तो 1/2 kg गार्लिक ले लें, और छिलका वगैरह उतार के अच्छी तरह से वॉश करने के बाद सिंपल मैंने अपने फूड प्रोसेसर में डाला है, और इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा सॉल्ट और साथ में ऑयल डाला था, मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ, और ऑयल जो है वो एज़ अ प्रिजर्वेटिव भी काम करता है, सॉल्ट भी इसी तरह से, यही सॉल्ट का भी पर्पज़ है। तो ये डाल के मैंने इसको कर लिया है प्रोसेस, और ये मेरा जिंजर गार्लिक रेडी है, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, मैं फ्रीज़ नहीं करती होती। आप चाहें तो आप आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी फ्रीज़ नहीं किया जिंजर गार्लिक, मैं इसी तरह से बॉटल में डाल के रखती हूँ, और ये भी इंशाल्लाह मुझे 1 मंथ के लिए नाफ रहेगा। तो बस अब जो है जितने भी मैंने पैकेट्स बनाए हैं, कुछ को मैं डाल रही हूँ कंटेनर्स के अंदर, और कुछ को मैं इसी तरह से जो फ्रीज़र का डोर है उसमें रख दूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते यही कहूँगी कि पूरी दुनिया इस वक्त बहुत बुरे हालात में है, हम लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तो जितना हो सके अल्लाह ताला से दुआ करें कि यह आजमाइश ख़त्म हो और जल्द अज़ जल्द ये मुसीबत टल जाए, ताकि हम लोग अपनी रूटीन की ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकें। मैं आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, जितना हो सके घर पर रहें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।